योग दर्शन के 12वें सूत्र तक कल चर्चा हुई थी। अभ्यास वैराग्याभ्याम त निरोधा, अभ्यास और वैराग से तत् निरोधा, उसका निरोध होता है। किसका? चित्त वृत्ति का। अभ्यास और वैराग कल मैंने कहा था, अभ्यास सकारात्मक पक्ष है, वैराग नकारात्मक पक्ष है। वैराग स्वयं नकारात्मक नहीं है, अर्थ है कि जो नहीं ग्रहण करना है उससे निर्मोह हो जाना वैराग है, छोड़ना वैराग है, त्यागना वैराग है। अब अभ्यास है निस्वरूप का स्मरण, या कोई भी साधन को बारंबार लेकर के उसमें प्रयत्न करना, अभ्यास का स्वरूप आगे बताया जाएगा। व्यास ने अपने भाष्य में जो इसका भाष्य किया है उसको मैंने टिप्पणी में दिया है और भावार्थ हिंदी में ऊपर रख दिया है। बहुत सुंदर उन्होंने इसका भाष्य किया है। चित्त नदी नामो भयतो वाहिनी, वहति कल्याण वहति पापाय च। चित्त नदी नाम उभयतो वाहिनी, चित्त नदी, चित्त नाम की जो नदी है उभयतो वाहिनी, दो तरफ बहने वाली है। कौन दो तरफ है? वहति कल्याणाय वहति पापाय च, कल्याण के तरफ भी बहती है और पाप के तरफ भी बहती है। या तो कैवल्य प्राग भारा विवेक विषय निम्ना स कल्याण बहार। जब वो कैवल्य प्राग भार यानी कैवल्य के तरफ झुकी हुई बहती है, कैवल्य का मतलब अकेलापन, अपनी असंगता, स्वरूप भाव के तरफ बहती हुई, विवेक विषय निम्ना, विवेक विषय के तरफ झुकी हुई बहती है, सा कल्याण वहा, उसको कल्याण वहा कहते। मतलब मन की वृत्ति जब विवेक स्वरूप ज्ञान आत्म अनुरक्त की तरफ चलती है तो कल्याण वहा है। संसार प्रागभारा अविवेक विषय निम्ना पाप वहा, संसार की तरफ झुकी हुई, विवेक विषय के तरफ झुकी हुई जब बहती है तो पाप बहा है। तत्र वैराग्येण विषय स्रोता खिली क्रियते, तत्र उस जगह पर वैराग द्वारा विषय के स्रोत को खिली क्रियते बंद करना चाहिए। जैसे कहीं पानी बह रहा हो तो वहां पत्थर धर के दबा दे, तो विषय वासना की तरफ जो मनोवृत्ति है वैराग्य द्वारा उसको बंद कर दे। विवेक दर्शनाभ्यासेन विवेक स्रोत उद्घाट्यत इति उभयाधीनस्य चित्तवृत्ति निरोध। विवेक दर्शन के अभ्यास से, दृष्टादृश्य विवेक, ये विवेक दर्शन है, इसके अभ्यास से विवेक स्रोत उद्घाटयत, विवेक स्रोत का उद्घाटन होता है। बारंबार मैं शुद्ध चेतन हूं, मन भी जड़ है और जगत जड़ है, चित्त और चेतन का संबंध है, चेतन मैं हूं, चित्त जड़ है जो सामने है, चित्त के झरोके से संसार प्रतीत होता है, चित्त को अपने से अलग मान ले तो संसार अलग अपने आप हो जाता है। इस प्रकार विवेक द्वारा विवेक स्रोत का उद्घाटन होता है, इन्हीं दोनों के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध होता है। वैराग्य से विषय स्रोत को बंद करना चाहिए और बारंबार आत्मा अनात्मा का विवेक करते करते
विवेक की शक्ति का उद्घाटन होना चाहिए। तत्र स्थितो यतनो अभ्यास, तत्र उसमें स्थितो स्थित के लिए यतन यत्न करना अभ्यास कहलाता है। तत्र वहां पर वैराग और अभ्यास ये दो बताया गया। तो सूत्र में तो वैराग अभ्यास पहले है, वैराग पहले भी पीछे है, उसी ढंग से यहां अभ्यास को पहले लेते हैं। तत्र स्थितो यतनो अभ्यास, तत्र वहां पर वैराग और अभ्यास में अभ्यास को लेकर के यत्न करना, स्थित के लिए यत्न करना, ठहराव के लिए यत्न करना अभ्यास है। अब ठहराव के लिए अनेक साधन है, इसी योग दर्शन में आगे आएगा। अनेक साधन है, असंप्रज्ञात की कई शाखाएं हैं, संप्रज्ञात की कई शाखाएं हैं, असंप्रज्ञात के भी भेद बताए गए हैं। असंप्रज्ञात तो एक ही है लेकिन उसमें भी कई शाखा पर शाखा बताए। तो वस्तुतः संप्रज्ञात भी एक ही है और असंप्रज्ञात भी एक ही। संप्रज्ञात का अर्थ है अच्छी तरह से जाना हुआ, असंप्रज्ञात का अर्थ है कुछ न जानना। जिस आलंबन को लेकर के मन ठहराया जाए उस आलंबन का पूरा ज्ञान रहता है। जैसे मानो हम कबीर साहब का चित्र लेकर के अपने मन में उसका ध्यान करते हैं तो चित्र का पूरा ज्ञान रहेगा। चित्र हमारे चित्त के सामने रहेगा। ज्योति का ध्यान करते हैं, आंखें बंद की और बंद आंखों में गर्मी प्रकाश दिखाई दिया या अंधकार दिखाई दिया, उसी में मन को ठहराते हैं तो पूरा ज्ञान उसका रहेगा, पूरी याद रहेगी, सामने वो रहेगा। सांस पर मन ठहराते हैं तो सांस का पूरा ज्ञान रहेगा, हम उसको जानेंगे। बिंदु पर मन ठहराएं, शब्द पर मन ठहराएं, जहां मन ठहराएंगे, कोई आलंबन लेंगे तो आलंबन का पूरा ज्ञान रहेगा। नींद आ गई तो बेकार हो गया। नींद और तंद्रा ना आनी चाहिए, ये ध्यान रखो। ईश्वर बारंबार कहा जाता है शाम का जलपान हल्का और नींद पूरी तरह से पचा लो। 9:30 बजे यहां जब सभा से जाओ तुरंत सो जाओ। अगर दोपहर में नींद लेने से रात में नींद लेने में देरी होती है तो दोपहर को मत सो, केवल आराम कर लो। और अगर अड़चन नहीं पड़ता है तो दोपहर में थोड़ा सो लो, 9:30 बजे के बाद जाकर के तुरंत सो जाओ और 4 बजे तक सो, नींद पूरी पचा लो और शाम का जलपान कम रखो और ध्यान में बैठो तो सावधानी रखो, पूरी सावधानी, एकदम जागरूकता। तंद्रा आ सकती है परंतु सावधानी रखोगे तो दूर हो जाएगी, दूर रहेगी। अगर तंद्रा आ जाए तो हाथ पैर किसी अंग को दबा दो, तंद्रा भाग जाएगी। जैसे मन के विकारों को दूर करना और चित्तवृत्ति को शांत करना, वैसे निद्रा तंद्रा आए तो उसको भी दूर करना है। अंतराय विघ्न जितने आए उनको दूर करना है, अंतराय विघ्न जितने आए उनको दूर करना है। तो तंद्रा ना हो, निद्रा ना हो, तो जिस आलंबन में मन को ठहराओगे उस आलंबन का पूरा ज्ञान रहेगा, इसीलिए संप्रज्ञात है। और भेद प्रभेद है तो भेद प्रभेद दर्शनों में शाखा पर शाखा बहुत बना दिया जाता है, लेकिन बात एक है, चाहे किसी आलंबन किसी सहारे में मन को ठहराए वो सब संप्रज्ञात है। और चित्त वृत्त निरुद्ध हो गया, असंप्रज्ञात है। वृत्त शांत, संकल्पों को देखते देखते संकल्प शांत हो गए, संकल्प नहीं उठते हैं,
तो कोई यहां तो आलंबन लिया ही नहीं, जाता है। अंतिम में आलंबन की जरूरत नहीं है, मैं शुद्ध बुद्ध चेतन हूं ये बोध है, और चित्तवृत्त से संसार सामने होता है, चित्तवृत्त शांत हो गई बस अपने आप है, तो कुछ ज्ञात नहीं, इसलिए असंप्रज्ञात है। और उसमें भी कई भेद बताए हैं, लेकिन वो भेद शब्दों का ही ज्यादा है, जिसे धर्म में एक समाध कर दिया गया, तो धर्म में एक समाध भी वही है जो आगे अपने आप आएगा। तो तत्र स्थितो यतनो अभ्यास, तत्र वहां पर अभ्यास और वैराग्य में, अभ्यास की बात मैं कहता हूं, स्थित के लिए यत्न करना अभ्यास है, स्थित ठहराव, शांत, स्थिरता के लिए यत्न करना, यत्न उद्योग परिश्रम प्रयत्न चेष्टा, बारंबार चेष्टा करना अभ्यास है। मन कहीं ठहराओ, जहां अच्छा लगे वहां ठहराओ, और विषयों से मन हटाओ, और ये करते चलो करते चलो करते चलो, देखोगे कैसे नहीं सफलता होगी। तत्काल लगती है कि सफलता नहीं हो रही, लेकिन सफलता हो कर रहेगी, अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास के विषय में ऋषि स्वयं बताते हैं, सातु दीर्घ काल बताते हैं, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, तू परंतु के लिए, सा उसमें, तू परंतु, खास बात यह है कि दीर्घ काल करे और निरंतरता रहे और सत्कार पूर्वक सेवन करे, तब दृढ़ भूमि होगी। इन बातों पर ध्यान दो, जो अभ्यास करो दीर्घ काल तक करो और निरंतर करो और सत्कार पूर्वक करो। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, याते जो बिचले नहीं लेह परकपद सोए। सदुरपूर्ण साहेब ने कहा हंस और समाधि एक ही हो जाए, हंस समाधि में बिल्कुल डूब जाए और सदा रहे और निरंतर रहे। हंस समाधि एक ही सदा निरंतर होए, ऐसे जो विचलित न हो ले परख पद सोए, ये परख पद है। तो क्या सब समय कोई संकल्प छोड़ के बैठा रहेगा? तो यहां हर समय संकल्प छोड़ देने की बात नहीं, संकल्प छोड़ करके कुछ समय बैठा रहा जा सकता, बाकी समय भी जो स्वरूप विवेक में है वो समाधि में है। जिस मन में कहीं किसी चीज का मोह नहीं है और अपने विवेक में जागता रहता हरदम, हर समय समाधि में। दीर्घ काल तक करते रहना है, जीवन भर करते रहना है, कभी उबियाना घबराना नहीं, और निरंतरता उसमें होनी चाहिए। जब बैठो लगन से करो और रोज करो, करते रहो करते रहो करते रहो, छोड़ो ना, जहां कहीं रहो। खाना कहीं छोड़ते हो? पीना नहीं छोड़ते हो? सोना नहीं छोड़ते हो? साधने छोड़ दिए? समय नहीं मिला? जगह नहीं मिली? जगह नहीं मिलती? कौन जगह चाहिए साधना के लिए? जो जगह मिलने पर साधना करता वो साधक नहीं है। साधना तो कहीं भी कर सकते हो, ट्रेन में बैठे हो मन समेट लो, विवेक में हो जाओ, बस में बैठे हो विवेक में हो जाओ, चारों तरफ हल्ला गुल्ला है, भीड़ भड़क कहाँ है, अपने मन को समेटो विवेक में हो जाओ बस। तो इसलिए कहा नहीं समय, लगन होनी चाहिए। लगन की कमी होने से आदमी समय देखता, समय नहीं मिलता, सुविधा नहीं मिलती, लगन जहां रहती तहां कब नहीं सुविधा है। इसलिए दीर्घ काल ये काम करते रहना और निरंतरता होनी चाहिए, और सत्कार आसेवितों, सत्कार पूर्वक अपनी साधना में श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा जिसको नहीं होगी वो क्या साधना करेगा? देखा देखी बैठ गए बस, अपने मन में श्रद्धा नहीं है,
न मन लगेगा न सफलता होगी। इसलिए श्रद्धा होनी चाहिए। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ऋषि ने 13वें सूत्र में बताया कि स्थित के लिए यत्न करना अभ्यास है। 14वें सूत्र में बताया अभ्यास दीर्घकाल तक करते रहो और निरंतर करते रहो और आदरपूर्वक करते रहो, ये अभ्यास की बात बता दी। आलंबन नहीं बताया, आलंबन आगे बताएंगे, जानते हो सब। जिस आलंबन में रुचि हो, साकार योग, दृष्टि योग, स्वर योग, नाद योग, बिंद योग। मैं तो सामान्य साधकों को साकार योग यानी चित्र में ध्यान करने की भी नहीं बताता हूं। कोई किसी साधक के मन में किसी वैराग्यवान के चित्र से ध्यान करने में सरलता होती है तो कर सकता है। सामान्य साधक को दृष्टि और स्वर ये दो कहता हूं। आंखें बंद करो और बंद आंखों में जो दिखाई दे अंधकार प्रकाश उसे मन अटकाओ, या सांस आती जाती अपने आप सांस पर मन अटकाओ, कहीं ठहराओ। और जब सूक्ष्मता आ जाए तो दृष्टा अभ्यास करो, संकल्पों का त्याग। तो सब जानते हो अभ्यास, अब आगे ऋषि बताएंगे भी। यहां वैराग की बात कहते हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अनुश्रविक विषय के प्रति जब वितृष्णा हो जाती है तब वशीकार संज्ञा वशीकार नाम का वैराग्यम वैराग्य कहलाता है। संज्ञा कहते हैं नाम, वशीकार संज्ञा वशीकार नाम का वैराग्य है। इसको अपर, इसी को अपर कहा गया है। यहाँ अपर नाम नहीं, वशीकार है, लेकिन वही अपर है। पर अपर दो वैराग इन्होंने कहा है, तो वशीकार ही अपर वैराग। अपर कहते हैं श्रेष्ठतर को, श्रेष्ठतम है। दृष्टानुश्रविक, दृष्ट और अनुश्रविक, दृष्ट जो देखा गया है, अनुश्रविक जो सुना गया है, उन विषयों के प्रति वितृष्णा। वितृष्णा का मतलब तृष्णा का त्याग। देखा क्या गया है? रूप आंख से देखा गया है, कान से शब्द सुना गया है, नाक से गंध सूंघा गया, जीभ से रस चखा गया है, चाम से स्पर्श किया गया है, ये पांचों को मानो देखा गया है। इंद्रियों से ज्ञान और सुनना अनुश्रविक, जो स्वर्ग वर्ग है कहीं आकाश में या इसी संसार में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, दिल्ली में, मद्रास में, ऐसी चीज है ये सुना। अमेरिका में, इंग्लैंड में, रूस में, चीन में, ऐसी चीज है। अब उसके लिए खिंचाव मन में हो तो स्वर्ग की कल्पनाएं की गई, उसको सुना। जो देखा गया और सुना गया वो सब के लिए वितृष्णा हो जाए, सब विषयों के प्रति वितृष्णा। तृष्णा का त्याग, आकर्षण का त्याग, ये वशीकार संज्ञा, वशीकार नाम का वैराग्य है। देखे सुने के प्रति वितृष्णा हो जाने पर संप्रज्ञात समाधि सरल हो जाती है। जो कुछ देखते हो उसमें मन नहीं खींचता और जो सुने हो उसमें मन नहीं खींचता, तो जिस आलंबन को लेकर के मन ठहराओगे जल्दी से ठहर जाएगा। अब अगर देखे सुने के प्रति खिंचाव है तो नहीं ठहरेगा, भागता रहेगा। साधक जो कहते हैं मन नहीं ठहरता है, उसमें वैराग की कमी है। वैराग केवल कपड़े बदलना तो नहीं है, वैराग का ये चिन्ह है। वैराग्य तब होता है जब विवेकपूर्ण जागृत होता है, अंदर धुन जाता है मोह मन। तो देखे सुने के प्रति पूरी वितृष्णा, पूरी अनासक्ति,
ये वशीकार संज्ञा नाम का वैराग्य है। दोष दृष्टि जब ही वही तब उपजो वैराग, दृढ़ निर्वेदन जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़ भाग। साहब कहते हैं जिसको दोष दृष्टि होती उसको वैराग होता है। दृढ़ निर्वेद जब होगा विषय में क्लानी होगी, हम चारों तरफ बधे उलझे संसार में, कुछ नहीं मिलना आया, केवल ठोकरे खाना है। जीवन भर ठोकरे खाते खाते आदमी गिर के मर जाता, कुछ नहीं पाता। धनी लोग, निर्धन लोग, संपन्न विपिन्न, शिक्षित अशिक्षित, सबकी दशा यही, चाहे नेता हो चाहे महंत हो, सब भटकते भटकते मर करके चले जाते, कुछ नहीं पाते। वही पाएगा जो अपने को सुधारेगा, जो साधना में लगा रहेगा। पूर्ण वैराग्य के बिना कल्याण न होगा। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैदर्शनम, तत्परम तत् वह परम, परम वैराग्य वह परम वैराग्य। कौन परम वैराग्य? पुरुष ख्याति गुण वैतृष्णम, पुरुष ख्यात हो जाए। पुरुष नाम आत्मा, ख्यात नाम ज्ञात। जब पुरुष का ज्ञान उदय हो जाए निरंतर, एक रस अपने स्वरूप के विषय में पूर्ण जागृति हो जाए, तब गुण वैतृष्णम, तो गुणों के प्रति भी वितृष्णा हो जाती। गुण सतरजतम, ये तीन जो सूक्ष्म गुण और उनके कार्य हैं, सबके प्रति वितृष्णा हो जाती है। इसका सरल अर्थ है कि सूक्ष्म आसक्ति ध्वंस हो जाती है। जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है, यहां ज्ञान का अर्थ है चित्त में बना रहना, ये बोध भाव, मैं देह नहीं मैं शुद्ध चेतन हूं, ये भाव बना रहना। जैसे देहाभिमान में देह के राग रंग के प्रति अनुरक्ति बनी रहती है, वैसे बोध भाव में स्वरूप अनुरक्ति बनी रहती है। स्वरूप अनुरक्ति, यस्तु आत्मरतरेव स्यादात्म तृप्तस्य मानवा आत्मन्नेव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। ये गीता का श्लोक है। जो आत्मरत, आत्म संतुष्ट और आत्म तृप्त है, उसके लिए कुछ करना बाकी नहीं। तो पुरुष ख्यात, पुरुष ज्ञात, अपने आप का होशवास पूरा पूरा, तब गुणों के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है। मैं जो कुछ हूं वो ये दृश्य नहीं हूं, ये जो दिखाई देता वो सब मैं नहीं हूं, न वो मैं हूं न वो मेरा। यह जब चरितार्थता हो जाती है, चरितार्थता, अपरोक्ष अनुभूति, और इसी में साधक निरंतर जागता रहता, एक रस वृत्ति, तब गुणों के प्रति भी वितृष्णा हो जाती है। यानी सूक्ष्म आसक्ति ध्वंस हो जाती है। जो सद्गुणों में सुख है, गुण तो यहां सतरजतम कहा गया है, लेकिन जो सद्गुणों में सुख है उसमें भी अहम नहीं होता। जीवन मुक्त सुख अनित पिछानो, श्री काशी साहेब ने एकदम काट दिया, कहीं सुख की जगह न रहे, मोह न रहे तुम्हारा। जीवन मुक्त सुख अनित पिछानो, और वास्तविकता उन्होंने कहा, कोई जबरदस्ती थोड़े कहा, वास्तविकता ही है जीवन मुक्त सुख अनित्य। और यही बात जेगी सभ्य ने कहा, जब आवट ने पूछा, महाराज 10 सर्गों के जन्मों को आप जान गए हैं, याद हो गया है, तो उसमें आपको सुख ज्यादा मिला कि दुख? तो कहे केवल दुख मिला। तो कहे महाराज तृष्णा को त्याग करके जो अनुत्तम सुख संतोष मिलता है उसको भी आपने दुख में डाल दिया। तो जैगी सभ्य ने कहा कि तृष्णा है इसलिए संतोष सुख है, और कैवल्य में न तृष्णा न संतोष, दोनों झंझट नहीं। तो विवेकवान चाहे कभी भी हुए हों, उनका अनुभव एक, समझे की गति एक है, जिन समझा सब टौर, कहें कबीर ये बीच के बल कहीं और की ओर।
देश और काल उसमें व्यवधान नहीं होते। किसी देश और किसी काल में विवेकवान हों, अगर समान स्थिति में पहुंच गए हैं तो समान अनुभव होगा। तृष्णा है इसलिए संतोष सुख है, कैवल्य में न तृष्णा है न संतोष है, तो वहां क्या जरूरत है किसी चीज की। जीवन मुक्त सुख अनित पिछानो, जीवन में रहते रहते जो निश्चिंतता का सुख है उसमें सुख, सुख में सूक्ष्म हंता हुई अध्यास लक्षण जाने सुई। जड़ चेतन भेद प्रकाश पारक सिद्धांत का सूत्र ग्रंथ है शास्त्र, जैसे छह शास्त्र है वैदिक परंपरा में, वैसे पारक सिद्धांत का शास्त्र सूत्र ग्रंथ जड़ चेतन भेद प्रकाश है। जब मैंने गृह त्याग किया था तो गुरु जी ने इसी को मुझे याद कराया था, और सारी पुस्तकें तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते याद हो गई थी, मैंने विधिवत कुछ याद नहीं किया। घर में रह करके चार पाठ बीजक को याद किया था चार पाठ, जब यहाँ आया तो कुछ याद नहीं किया। सबके साथ बैठ करके पाठ करता था और पीछे नहीं रहता था। वैराग शतक, न्यायनामा, भवयान के कई पाठ, सदगुण शतक और पूरा बीजक, संध्या पाठ, सब पाठ करता था। बस वो पढ़ लिया था थोड़ा, बस उसी में अभ्यास हो गया था। गुरु जी ने कहा इसको मैं तुम्हें विधिवत याद करवा दूं, तो साहब पाठ देते थे जड़ चेतन भेद प्रकाश, विधिवत याद किया। जड़ चेतन भेद प्रकाश पारक सिद्धांत का सूत्र ग्रंथ है, सब कुछ उसमें, कुछ बाकी नहीं। उसका मनन चिंतन थोड़े में, श्री विशाल साहब को मैं देखता था अंतिम अवस्था में तो जड़ चेतन भेद प्रकाश साथ में लिए रहे, लेटे रहे, तो एक एक पंक्ति वही रटा करे। तो प्रेम साहब हंसे कि साहब जड़ चेतन भेद प्रकाश खूब रट रहे हैं। तो हमने कहा साहब इतना क्यों रट रहे हैं? कहे वो लोग आते हैं बंदगी करने, करा करे बंदगी, साहब उसे मन लगाए रहते हैं, कैसे कहकर बंदगी चक्कर में हरदम पड़ा रहे हैं। तो लोग करा करते हैं बंदगी और साहब उसी को घोटते रहते हैं। सुख में सूक्ष्म हंता हुई अध्यास लक्षण जानो सुई, अध्यास को पकड़ने कितना बढ़िया साधन है। सुख में जो सूक्ष्म अहंकार होता है, सुख क्या है? निरोग शरीर है तो एक सुख है, स्वस्थ शरीर है, सम्मान मिला तो सुख है, अनुकूल जगह मिल गई, खान पान मिल गया तो सुख है, इसमें सूक्ष्म अहंकार होने लगे तो अध्यास लक्षण है। अरे आज स्वस्थ है कल बीमार भी हो जाएगा, आज सुविधाजनक जगह मिली कल असुविधाजनक जगह मिल जाएगी, उसमें अध्यास सुख मानने क्या जरूरत है। सब समय सुख को काटते रहो, उदासीन वदासीनो, उदासीन वत आसीनो, उदासीन के समान आसीन रहो। तो तत्परम, तत् वह परम, परम वैराग्य, तत् नाम वह, परम नाम पर वह पर वैराग्य। कौन पर वैराग्य है? पुरुष ख्याते ही, जब पुरुष ख्यात हो गया, पुरुष ज्ञात हो गया। अब यहां का ज्ञात होना अलग है, वही जान लेना नहीं, सब समय ये दृष्टि बनी रहे मैं पुरुष हूं, चेतन हूं, शुद्ध चेतन हूं, तब गुण के प्रति वितृष्णा हो जाती है, सूक्ष्म आसक्ति भी ध्वंस हो जाती है, और फिर तब असंप्रज्ञात समाधि। पर वैराग्य होने पर असंप्रज्ञात समाधि लगती है। जब सूक्ष्म अहंकार भी मिट गया तब चित्त कहाँ चलेगा? चित्त विश्राम,